हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे सबको पता होगा, लास्ट वीक आई टॉक्ड अबाउट शेयरिंग समथिंग स्पेशल फॉर माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। सो इट्स गोना बी हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी स्टोरी रीडिंग्स विद पेंटिंग। सो ये ऑल्सो सॉरी, आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज माई मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज़ फ्रॉम इंडिया। सो आई ट्राई टू फिगर आउट समथिंग फॉर द अदर वीडियोज इफ दिस कॉन्सेप्ट गो वेल, obviously. So today I'm explaining, and you can say storytelling, the movie called Host from 2020. Iski IMDb rating hai 6.5 out of 10. Director ka name hai Rob Savage. Story chalu hoti hai Haley, Gemma, Emma, Redina, Caroline aur Teddy ko leke, in 6 doston ko leke jo har week जूम वीकली कॉल्स रखता है कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ एंटरटेन करने के लिए। हेली डिसाइड करती है कि वो लोग इस बार सेयोंस करेंगे, जो कि एक तरीका होता है स्पिरिट से कम्युनिकेट करने का। उसके लिए एक मीडियम चाहिए, तो हेली शैलन करके एक औरत को इस जूम मीटिंग में लाती है जो उनकी मीडियम बनती है। जूम मीटिंग चालू होती है, उससे पहले ही टेडी जूम मीटिंग छोड़ देता है कुछ रीजंस की वजह से। तो फाइनली जब सेयोंस चालू होता है और वो लोग पोर्टल में एंटर करते हैं, सेयोंस चालू होने से पहले शैलन चीज़ें बताती है कि उन्हें पूरी चीज़ को लेके, इस पूरी एक्टिविटी को लेके बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, कोई टाइप का डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर नहीं चलेगा। पर ऑलरेडी एमा वाइन ग्लास लेके बैठी होती है, कोई सीरियस नहीं होता है, उन्हें लगता है सब मजाक हो रहा है। पर फाइनली वो लोग पोर्टल खोलते हैं और सैलन बताती है कि उन्हें कुछ ना कुछ फील होगा उनके अराउंड, जो कि बहुत नॉर्मल है, स्पिरिट ऐसे ही कनेक्ट करती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जेमा अचानक से खड़ी हो जाती है, चिल्लाने लगती है, कहती है उसके नेक के अराउंड उसे कुछ फील हुआ है, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। तभी वो बताती है कि उसे लगता है उसका दोस्त जैक, जो बहुत साल पहले मर चुका है, वो वापस आया है कम्युनिकेट करने के लिए। तो शैलन इससे पहले कुछ बोल पाती, उसका जूम कॉल कट हो जाता है और वो जूम मीटिंग से आउट हो जाती है, एज इन एग्जिट हो जाती है। फिर जैसे ही थोड़ी देर होती है, जेमा हंसने लगती है, कहती है कि ये सब ड्रामा था, सब झूठ है, और सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्पेशली हेली, क्योंकि वो बहुत सीरियस थी इस सब चीज़ को लेके। और मजाक का नतीजा हम बाद में देखते ही है क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है। कैरोलाइन की एटिक से आवाज़ें आने लगती है, उसकी एटिक में जब वो चेक करती है तो एक बॉडी लटकी हुई उसे दिखती है। फिर हेली है, उसकी चेयर अचानक से पीछे खींच जाती है जब वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, और एमा का जो वाइन ग्लास होता है वो भी फूट जाता है। तो सब बहुत डर गए होते हैं इसके बाद। रिडीना ये सब देख रही होती है स्क्रीन पर, और वो भी बहुत डर गई होती है। तो वो लोग फाइनली शैलन को वापस कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, और शैलन फ़ोन उठा भी लेती है। उसके बाद जेमा कन्फेस करती है कि जो भी था, उसने जो भी बताया था जैक के बारे में, वो सब मजाक था। और फिर शैलन सीरियस होकर एक बात उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे स्पिरिट गुस्सा हो जाए या वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। अब तुमने न्योता दे दिया है, अब जिसको आना होगा वो आएगा जैक के भेस में और हॉन्टिंग करेगा। और वो लोग डर जाते हैं ये सब सुन के। फिर शैलन बोलती है कि हमें ये सेयोंस जितना जल्दी हो सके बंद करना पड़ेगा। तो वो लोग ट्राई करते हैं, वो लोग अगेन ट्राई करते हैं पोर्टल बंद करने का, पर ऑब्वियसली स्पिरिट आई है तो इतनी जल्दी जाएगी तो नहीं। तो वो इंटरप्ट करती है और शैलन का फ़ोन अगेन कट ऑफ हो जाता है। तो हेली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो डिसाइड करती है कि वही ये सेयोंस एंड करेगी। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सबको लगता है कुछ नहीं है, सब चला गया, पोर्टल बंद हो चुका है फाइनली। और कैरोलाइन खड़ी होके चली जाती है, रिडीना भी खड़ी होके अपना वाइन का ग्लास फिल करने चली जाती है वापस, एमा वापस से स्क्रीन पे हंस रही होती है। उसी दौरान कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन का जो पीछे का डिस्प्ले था वो प्ले हो रहा था, पर तुरंत ऐसा कैरोलाइन को कोई कैमरा पे स्मैश कर रहा हो, जैसे उसका हेड किसी ने स्मैश कर दिया कैमरा पे, और उसकी मौत वहीं के वहीं हो जाती है। और सब देखते हैं और सब बहुत घबरा जाते हैं।
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एमा जब लिविंग रूम में जाती है तो उसे वो जो फेस स्टिकर्स होते हैं वो किसी एंटिटी पे दिखते हैं, एज इन कोई वहाँ पे खड़ा है, पर कुछ भी नहीं था वहाँ, इनविजिबल एंटिटी खड़ी थी वहाँ पे, उस पर वो फेस स्टिकर दिखता है और वो उसका पीछा करना चालू करता है और वो सब गिरा रही होती है तो उसे दिखती है फुटप्रिंट्स उसकी, तो वो डर के अपने कमरे में छुप जाती है। बहुत ज़्यादा डरावना था ये सीन। रेगिना जो ये सब कुछ देख रही होती है वो भी बहुत डर जाती है और वो अपने घर से भागने का ट्राई करती है डोर ओपन करके। उसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड सीलिंग से आके नीचे गिरता है, एज इन उस स्पिरिट ने उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया था। जैसे ही भागने का ट्राई करता है कोई पीछे उस पीछे से आके उसे खींच लेता है और उसे वहीं का वहीं मार देता है। इस दौरान जेमा जो हीरी के घर के बहुत नज़दीक होती है, वो लोग नेबर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है हीरी को लेके, बिकॉज कुछ देर पहले हम ये देखते हैं कि हीरी को वापस से कोई पीछे खींचता और इस बार उसे रूम में खींच के चला जाता है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ये सीन देख के, तो जेमा बहुत डर गई होती है, तो वो ऑब्वियसली जो नेबर है हीरी उसको चेक करने जाती है। टेड वापस आ जाता है और उसका बहुत गलत टाइम होता है वापस आना, बिकॉज वो डीमन तुरंत उसी पे ही अटैक करता है और डीमन का पहली बार हम चेहरा देखते हैं मूवी में। वो आते ही उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है, उसे जिंदा आग लगा देता है और वहीं के वहीं हम स्क्रीन पे उसे जलते हुए देखते हैं। अब एमा के डोर से उसे आवाज़ आने लगती है, वो जैसे ही अपना कैमरा वहाँ पर घुमाती है उसे कोई नहीं दिखता और वो डर के मारे कुछ कर नहीं पाती तो ब्लैंकेट फेंकती है और उस ब्लैंकेट के नीचे उसे एक एंटिटी दिखती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बालकनी से छलांग मार के मर जाती है। जैसे ही जेमा एंटर होती है हीली के घर पे, उससे डीमन अटैक करता है, उस पर नाइफ अटैक होता है, पर कुछ देर बाद वो रिकवर हो जाती है और वो फाइनली हीली को ढूंढती है उसके घर में, फाइनली मिल जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब निकल जाएंगे इस घर से, डीमन उन्हें अटैक ना करे, इसके लिए वो लोग पोलरॉइड कैमरा का यूज़ करते हैं। वो लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं देखने के लिए कि कोई है या नहीं है उनके सामने, क्योंकि उनके सामने एक चेयर आके यू नो हॉलवे में खड़ी हो जाती है, एज इन कोई वेट कर रहा है उनके आने का वहाँ। वो पिक्चर्स क्लिक करना चालू करते हैं, कुछ नहीं होता है। वो जैसे ही नज़दीक होते हैं उस चेयर के और डोर के घर के, वो लास्ट पिक्चर क्लिक करती है जमा और उसमें वो डीमन उनके सामने होता है और उन्हें अटैक करता है और एंड दैट्स इट, वहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है और जूम का कॉल भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हीली के लैपटॉप में जितने भी पार्टिसिपेट्स थे जूम पे, वो सबको वो स्क्रॉल डाउन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो क्रेडिट्स है, पर मैं ये सोचती हूँ कि डीमन ये स्ट्रेटजी कंटिन्यू करना चाहता है, वो और हॉन्टिंग्स करना चाहता है, तो वो सारे पार्टिसिपेट्स को हॉन्ट करना चाहता है, तो मे बी वो उनके नाम दिख रहा था। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। उन्होंने जूम कॉल का बहुत इनोवेटिव यूज़ किया पूरी स्टोरी में। कुछ जंप स्केयर है, कुछ सस्पेंस ज़रूर है, बट मूवी अच्छी है। मुझे लॉकडाउन में ये जो अगर आप स्टोरी बना सकते हैं यू नो घर पे ही, तो ये स्टोरी बहुत अच्छी थी देखने जाए तो। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। ये पहली बार मैंने कोई स्टोरी रीड की है एंड रिव्यू दिया है। अगर आपको पसंद आता है तो लेट मी नो, आई कम विथ न्यू स्टोरीज एंड यू नो न्यू मूवीज़। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो गो विथ इट, आई विल डू द रिव्यू ऑफ इट एंड होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक डू एंड सब्सक्राइब एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।